नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं सर्दी स्पेशल मटर मशरूम की सब्जी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ आधा किलो मटर लिए हैं, जिनको मैंने पानी में भिगा लिया है निकाल के, और ये मशरूम लिया है। दो टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने छील कर काट लिया है, एक प्याज और दो हरी मिर्चें ली है, और थोड़ा सा लहसुन लिया है जिसे मैंने कूट लिया है। ऑयल गर्म हो चुका है, सबसे पहले ऐड करूंगी मैं इसमें जीरा, तेज पत्ता, और इसके बाद ऐड कर रही हूँ ये एक कटा हुआ प्याज। प्याज ब्राउन हो गया है, अब हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, और साथ में ऐड कर देंगे ये दो कटे हुए टमाटर। छिलका उतारने से टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी चला सकते हैं। अब इसमें ऐड कर दूंगी कुटा हुआ लहसुन, इसे मैंने कुंडी में कूट लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे मसाले। सबसे पहले मैं एक चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच के आसपास की मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ। सेंधा नमक थोड़ा कम तेज होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं इसे। गैस कम रखेंगे। अब ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे ये मटर, थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मटर हैं ये आराम से अच्छे से पक जाए। और अब ढक्कन लगाकर इन्हें पकने देंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये मशरूम, जो मैंने अच्छे से धोकर काट कर साफ करके काट लिए हैं और पानी में भिगो दिया। कितनी शानदार सब्जी लग रही है, आ रहा है ना मुंह में पानी। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी है। इसे भी ढक के हम 4 से 5 मिनट पकने देंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये मलाई है दूध की मेरे पास। गैस कम रखेंगे, जब भी आप मलाई या दही ऐड कर रहे होते हैं तो आप गैस को कम रखें और लगातार उसमें कड़छी चलाते रहें। ये देखिए मिक्स हो चुकी है बहुत ही अच्छे से। सिम पे रखेंगे, एक दो बार आने देंगे। थोड़ा सा धनिया है जिसे मैंने काट कर धो लिया है, उसे ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। बहुत अच्छी खुशबू लगती है मुझे धनिया की, और सर्दियों में हर एक सब्जी के साथ अगर धनिया हो तो क्या बात है। बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, चलो इसे सर्व कर लेते हैं। तो आइए इसे मैं आपके लिए सर्व कर देती हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल बबीता कासनियास वर्ड पे जाइए, पिछली वीडियोस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट और आपके लाइक्स हमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का हौसला देते हैं। ये देखिए शानदार सब्जी बनी है ये, बहुत ही ज्यादा